कुंदुज में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को पकड़ा गया है। उसने भारत में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के किसी बड़े नेता को सुसाइड अटैक में मारने की योजना बनाई थी। रूस की सरकारी एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने उसे पकड़ने की जानकारी सोमवार को दी। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए आतंकी की पहचान की है। उसके बाद FSP ने उसे हिरासत में ले लिया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मध्य एशियाई देश के एक मूल निवासी के रूप में उसकी पहचान की है। बताया जा रहा है कि उसने भारत में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के किसी नेता पर हमला करने की योजना बनाई थी। सिक्योरिटी सर्विस द्वारा एक बयान में इसके बारे में बताया गया है। एजेंसी के मुताबिक आरोपी ने अप्रैल से जून तक तुर्की में आतंकी ट्रेनिंग ली। उसे IS के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया गया था। वहां उसे सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी। वो टेलीग्राम के जरिए IS से जुड़ा था। इसके बाद आतंकी ने ISIS के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद यहां से भारत भेजने की व्यवस्था भी की, जहां उसे सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता के ऊपर हमला करने का काम दिया गया था। हालांकि आतंकी ने किस भारतीय नेता को उड़ाने की साजिश रची थी, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। बता दें कि एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब को दहलाने की साजिश रची है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रची। आतंकी चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमला कर सकते हैं और बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस GRP स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट पर काम करने के लिए कहा है। बता दें कि बीते 3 दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन TRF में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और इसकी सभी सदस्यों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक IS अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विभिन्न इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा साइबर स्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खैर, रूस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकता है भारत के लिए। अब शुक्र तो पाकिस्तान को मनाना होगा कि कहीं पकड़ा गया इस्लामिक स्टेट का आतंकी पाकिस्तान का ना हो, वरना यकीनन भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।